हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल्स एंड बियर्स सीईओ। तो आज हम देखेंगे कि इंडेक्स क्या है और कितने तरीके के इंडेक्स इंडिया में अवेलेबल है और कैसे उसकी शुरुआत हुई, तो उसका बेसिक हम जानेंगे। तो इंडेक्स जो है, तो व्हाट इज एन इंडेक्स? तो इंडेक्स ये है कि एक मेथड है जिसको ट्रैक करा जा सकता है परफॉर्मेंस के ऊपर, किसका परफॉर्मेंस तक के ग्रुप ऑफ एसेट्स। तो यहां पे हम बोलेंगे कि भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनका एक परफॉर्मेंस का स्टेटिस्टिक निकाला जाएगा और उसको बेस को जो ट्रैक करने का जो एक बेस होगा उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। तो वैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो बेसिकली दो इंडेक्स है, वैसे तीसरा भी है जिसको हम बोलेंगे M6, बट पहला जो मेन है शेयर मार्केट के अंदर वो है सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो हम सेंसेक्स के बारे में पहले देखेंगे कि भाई सेंसेक्स क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी और क्या इसका रोल है। तो ये एक डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। जो सेंसेक्स है वो इंडिया का यानी डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हम उसको बोलेंगे, जहां पे इन्वेस्टर इसके बैरोमीटर का यूज करके उनके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, क्या हम हर वक्त ये बोलते हैं मार्केट अभी तो आज तो ऊपर क्लोजिंग आया, कल नीचे क्लोजिंग आया, ये वगैरह। तो ये जो सारे बेस्ड है उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं बेसिकली। करेक्ट। तो वैसे तो अगर देखें तो इसका बेस ईयर है 1978 टू 79, बट जो पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके अंदर ये जो सेंसेक्स बना हुआ है वो 30 जो मेजर इंडिया के अंदर, वैसे 1600 1700 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, तो उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज जो है जिसके पास ये बेस कैसा है, जो 30 कैसे चुनी जाती है, तो जिसका मार्केट कैप सबसे बेस्ट है, जिसकी लिक्विडिटी सबसे बेस्ट है और उनकी रिप्रेजेंटेटिव सबसे अच्छी है। तो वैसी 30 कंपनियों का एक मर्ज बना के सेंसेक्स बनता है। तो सेंसेक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ 30 कंपनी बास्केट। करेक्ट। उसके बाद अगर हम बोले तो ये एक इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स भी है इंडिया का, और ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और इंटरनेशनली दोनों जगह पे। अब ये चलता कैसे है, यानी अगर आज की बात मैं करूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेंसेक्स करीबन चल रहा है 38,600 के करीब करीब। तो ये वैल्यू डिराइव्ड कहां से होती है, ये वैल्यू आती कहां से? तो ये जो 30 जो कंपनीज है वो कंपनी का एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे 30 कंपनी है तो उसमें से हो सकता है कि भाई 20 कंपनियां, आज एवरेज ग्रो की बात करूं, कोई कंपनी 2%, कोई 0.5%, कोई 0.10%, ऐसे कर करके एवरेज अगर 1% बड़ी है और 10 कंपनियां ऐसी है कि भाई एवरेज 0.50% घटी है, तो उसका एक 1%, 20 कंपनीज का 1% राइज हुआ है एवरेज का और 10 कंपनीज का 0.5% का डाउन हुआ है, एवरेज बता रहा हूं मैं, जो भी बातें चल रही है यहाँ पे एवरेज के तौर पे। तो इसको एक मर्ज करके एक एवरेज निकाली जाती है और उसका जो डेविएशन निकल के आता है वो एक सेंसेक्स को आगे लेके चलता है। यानी अगर ओवरऑल बात करूं कि भाई 0.70 एक निकल के आया रेशियो, तो 0.70% आज सेंसेक्स बढ़ेगा और ये एवरी 15 सेकंड्स के अंदर ये डिटरमाइंड होती है ये वैल्यू। करेक्ट। जो कि एक रियल वैल्यू होती है। उसके बाद अगर सेकंड इंडेक्स की बात करें तो जो कि है निफ्टी, ये एक बेस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1996 को। और ये जो है निफ्टी, उसको काफी लोग निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो ये रीजन है इसका जो नेम है वो कैसे पड़ा, कि ये एक फ्लैगशिप है NSE की, जिसके अंदर टॉप 50 इक्विटी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं।
तो निफ्टी 50 इज मेड अप ऑफ बेसिकली टॉप 50 इक्विटी स्टॉक्स, करेक्ट। अब ये टॉप 50 जो इक्विटी स्टॉक्स है वो कौन से है? तो यहाँ पे 12 अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज के बेस के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के है, एंटरटेनमेंट के है, मीडिया के है, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, सीमेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड लाइक दैट, करेक्ट। तो ये भी एक जो इंडिया के दो इंडेक्स है उसमें से एक है, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसका मर्जर है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इसको बोलते हैं, BSE, करेक्ट। प्रोडक्ट उन्हीं की है। दूसरी चीज अगर मैं इसके लिए बताऊं तो ये ऑन बाय इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट, IISL जिसे बोलते हैं, ये उनकी एक प्रोडक्ट है और ये फुल्ली सब्सिडाइज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। निफ्टी 50 इज फॉलो ट्रेंड टू पैटर्न एंड ब्लू चिप कंपनीज, द मोस्ट लिक्विड एंड लार्जेस्ट इंडियन सिक्योरिटीज। इसके अंदर जो भी स्टॉक्स है वो सारे मोस्ट लिक्विडेट, यानी इसके अंदर जो आप अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, अगर ट्रेडिंग वैल्यू की बात करेंगे, तो इसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की निफ्टी है, सेम निफ्टी की तरह ही है, बट यहाँ पे सारे बैंकिंग सेक्टर्स अवेलेबल है। तो ये 12 बैंक के स्टॉक को मिला के बना हुआ इंडेक्स है, जो कि बेस है इसका बैंक निफ्टी। इसके बाद बोलेंगे, देखेंगे कि भाई दोनों के बीच में, सेंसेक्स और निफ्टी में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस जो हम देखेंगे कि निफ्टी डेराइव करा है नेशनल 50 से, यानी निफ्टी 50, और सेंसेक्स जो आया हुआ है उसको हम बोलेंगे सेंसिटिव इंडेक्स। सेकंड जो है वो सेंसेक्स जो ऑपरेट कर रहा है वो BSE से हो रहा है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, वाइल निफ्टी जो है वो ऑपरेट हो रहा है इंडियन इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट लिमिटेड से, IISL से, जो कि एक सब्सिडरी है NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो निफ्टी जो बनी है वो 50 सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर से बनी है, जबकि सेंसेक्स जो बना है वो टॉप 30 कंपनीज से बना हुआ है। अब इंडेक्स की अगर बेस वैल्यू की बात करें तो निफ्टी की बेस वैल्यू है 1000, और सेंसेक्स की अगर बात करें तो उसकी बेस वैल्यू है 100। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई MCX, तो MCX क्या है? तो MCX जो है वो मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज है, जो कि इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की कॉमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं अगर, तो गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, जिंक, क्रूड ऑयल, ऐसी ये सारी चीजों का यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग यानी अगर आपको लेना है, बाय करना है, सेल करना है, जो भी कुछ करना है वो यहाँ से हो सकता है। दूसरी चीज की यहाँ पे फिजिकली सेटल भी होता है और कैश सेटल भी होता है, और ये सारी चीजें जो भी होती है अंडर सेबी और MCX का जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अंदर ये होती है। तो इंडिया के अंदर बेसिकली देखे तो MCX के अंदर चार मेजर कॉमोडिटी एक्सचेंज है, जो पहला है MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा है NCDX जिसको हम बोलेंगे नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसके बाद थर्ड जो है NMC जिसको हम बोलेंगे नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, और उसके बाद जो चौथा है वो है ICE इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज। तो ये हो गई बात बेसिकली इंडेक्स की, कि टाइप ऑफ बिजनेस, सॉरी टाइप ऑफ इंडेक्स, और कब इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे ये बना है और कैसे ये वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।